हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो आज मुर्गी पालन से जुड़े हुए तीन सवालों का जवाब मिलेगा आज ये वीडियो में आपको। वो पहला है, मुर्गी अंडा कितने दिन में देती है, नॉर्मल मुर्गी। उसके बाद जो अंडे देकर बंद होती है मुर्गी, जो खुड़क बैठती है, वो खुड़क की मुर्गी कितने दिन में अंडे देती है फिर। और तीसरा सवाल है कि जो अंडे दिए के बाद खुड़क बिठाते हैं, बच्चों को अंडों पे बिठाते हैं, बच्चे निकाले के बाद वो कितने दिन में देगी अंडे। ओके दोस्तों, तीन सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक, नॉर्मल मुर्गी कितने डेज पे कितने कितने दिन में अंडे देगी। उसके बाद दूसरा सवाल होता है कि अंडे देकर बंद करती है जो मुर्गी, वो कितने दिन में अंडे फिर अंडे देगी। और तीसरी, मुर्गी जो बच्चे निकालती है वो मुर्गी कितने दिन में अंडे देगी, ये डिटेल से बताऊंगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। ओके दोस्तों, वीडियो एंड तक देखते जाइएगा। अगर से मेरे चैनल पे नए हो आप तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है बस वो दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे हर रोज़ की जानकारी आपको आते रहेगी। चलो अभी वीडियो में चलते हैं। पहला सवाल आता है कि नॉर्मल मुर्गी कितने दिन में अंडे देगी। ओके दोस्तों, ये नॉर्मल मुर्गी को हम एक वन वीक के अंदर अंडों को ला सकते हैं, छः से सात दिन के बीच में अंडों को। किस तरह ला सकते हैं, एक नॉर्मल मुर्गी को ले लीजिएगा, जिस मुर्गी को अंडे चाहते हैं वो मुर्गी को एक लॉकर में मुर्गे के साथ डाल दीजिएगा, 3 दिन के लिए डाल दीजिएगा। उसके बाद वो 3 दिन से लेकर आपको जब डाल रहे हो मुर्गी, वहाँ से वो पाँच से छः सात दिन आपको कंटिन्यू आपको अच्छा फीड देना चाहिए। मतलब मक्का, बाजरा, ज्वारी और कैल्शियम का जो फीड रहता है, वो प्रोटीन्स अच्छे भरपूर मात्रा में दोगे आप तो मुर्गे के साथ लॉकर में डाल दोगे तो आप वो नॉर्मल मुर्गी छः दिन के आसपास वन वीक में अंडे को आ जाएगी, अंडा देगी ज़रूर। ओके दोस्तों, ये हो गया है फर्स्ट सवाल का आंसर। और दूसरा सवाल आता है कि अंडा जो अंडे देकर बंद करी है वो मुर्गी कब अंडे देगी, कितने दिन में अंडे देगी। ओके दोस्तों, थोड़ा टाइम लग जाता है इसे, उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसका जो 15 अंडे देती है वो जो दिए के बाद फिर खुड़क बैठती है, खुड़क आप नहीं बिठाते हो, उसको निकाल देते हो, फिर वो अंडों को कितने दिन में आएगी। ओके दोस्तों, तो इस तरह क्या होता है, वो 15 अंडे दे चुकी रहती है, उसका कैल्शियम और प्रोटीन्स उसके पेट में से ख़त्म हुआ रहता है। ओके दोस्तों, क्योंकि वो जो अंडे देती है ना, इसीलिए। तो फिर आपको क्या करना है, फिर सेम तरीके से मुर्गे को डाल देना है, वो मुर्गी को लेकर लॉकर में मुर्गे के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको भी सेम कैल्शियम का और प्रोटीन्स का, मतलब मक्का, बाजरा, ये जो रहता है फीड, इस तरह से अच्छा दे सकते हो आप। वो फीड किस तरह बनाना है, ये आई कार्ड पे मेरे लगभग 100 के ऊपर वीडियोस रहेंगे, आपको मुर्गी पालन से जुड़े हुई हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसमें, ज़रूर देखना। क्योंकि कुछ भी आपको और वो प्लेलिस्ट में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम हुई तो डायरेक्ट मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ज़रूर बताऊंगा। ओके दोस्तों, चलो अभी दूसरा सवाल क्या आता है, वो जो अंडे देकर बंद करती है तो उसको मुर्गे के साथ लॉकर में डाल दो, उसको भी सेम तरह फीड दो, तो आप कितने दिन में आती है अंडों को। ओके दोस्तों, ये मुर्गी आने के लिए अंडों को एक 10 से 15 दिन लग जाता है, 10 से 15 दिन के बीच में आपको ज़रूर अंडा देगी, अगर से आप फीड अच्छा देते हो और मुर्गे से मिलाते हो उसे तो। ओके दोस्तों, ये 10 से 15 दिन ये मुर्गी हो गई। उसके बाद बच्चे वाली मुर्गी जो खुड़क बिठाई के बाद बच्चे निकालती है अंडों से, वो मुर्गी कितने दिन में देगी अंडे। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो मुर्गी कितने दिन में अंडे देगी, वन मंथ लग जाएगा उसे, 20 दिन से 30 दिन के अंदर बाहर वो कंपलसरी देगी। वो किस तरह देगी, जिस तरह हम ये दो प्रोसेस करें सेम उसी तरह करना है आपको, फीड अच्छा देना है, और फीड में क्या रहना है, प्रोटीन्स कैल्शियम अच्छे रहना है भरपूर मात्रा में, और उसके बाद मुर्गी के साथ लॉकर में डालना है। लॉकर ये मुर्गी को कितने दिन डालना है, आप लगातार 5 दिन तक आपको कंपलसरी, 5 से लेकर 1 वीक तक भी आपको चांस मौका है तो मुर्गे के साथ रख सकते हो 1 वीक तक। ये क्यों होता है, मुर्गी के माइंड में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मतलब मुर्गी जब एक जगह बैठ जाती है तब हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। वो अगर से मुर्गे के साथ आप लॉकर में डाल दोगे तो मुर्गा बैठने दे देगा, और एक मुर्गी आपकी है तो 2 मुर्गियों के साथ एक मुर्गे को डाल दोगे आप तो दूसरी मुर्गी भी ये मुर्गी को बैठने नहीं देगी, 2-3 मुर्गियाँ रहे तो। ओके दोस्तों, वो हार्मोन आपको जब मुर्गी एक जगह बैठती है तब रिलीज़ होता है, अगर से मुर्गी ज़्यादा घूमते रहती है, एक जगह नहीं बैठती है, तब वो हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए आपको वो मुर्गे के साथ आपको एक 1 वीक तक, मतलब 5 से लेकर 1 वीक तक रखोगे मुर्गे को तो कंपलसरी वो फिरते रहेगी, वो नीचे एक जगह नहीं बैठेगी। फिर आपको क्या होता है, बाद में बच्चों को भूल जाती है वो। ओके दोस्तों, भूल जाती है, फिर आपको जल्दी उसको फीड देते हो और मुर्गे से मिले भी रहती है वो, तो अंडों को जल्दी आ जाती है। ओके दोस्तों,
आपका पहला सवाल का आंसर है कि कितने दिन में अंडों को आती है। ओके दोस्तों, तो पहला आंसर आ गया है कि आपको 6 डे 1 वीक मतलब 6 से 7 दिन में आपको दे देगी वो। उसके बाद सेकंड आंसर आता है, आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि अंडे वाली मुर्गी कितने दिन में फिर अंडे देगी, मतलब अंडे ख़त्म हुए के बाद फिर वो मुर्गी कितने दिन में अंडे देती है, वो आता है 15 दिन। ओके दोस्तों, 15 दिन मतलब 15 दिन नहीं लगेंगे उसको, 10 से 15 दिन के अंदर ही देगी वो, जिस तरह मैंने बताया उस तरह करोगे तो। उसके बाद आता है मुर्गी कितने, बच्चे वाली मुर्गी कितने दिन में देती है। ओके दोस्तों, उसका आंसर आता है 20 दिन से 1 महीना। ओके दोस्तों, आप पूछे थे सवाल मुझसे बहुत सारे भाई कमेंट करके कि कितने दिन में अंडों को आती है मुर्गी, तो मैंने अंडों को कितने दिन में आती है बताया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया है कि क्या करना है आपको, क्या करने से जल्दी अंडों को आती है। ओके दोस्तों, इसी तरह की कौन सी भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, ज़रूर वीडियो बना कर दूंगा आपको नेक्स्ट डे, नहीं तो कुछ मेरे अगले वीडियोज़ में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे अगले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।